एवरीवन, वहां तक मुझे अभिषेक प्रशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा हम लोग होली के बाद आए हैं थोड़ा एडवेंचर करने जंगल में फ्रेंड्स। ये देखो सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यही संभालेगा। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ अंत तक, ये लोग मुझे कह रहे हैं वहां तक जाओ, मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा शर्त लगाओ फिर जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं। अरे जाना, तेरा भाई बचाएगा, तेरा भाई बन रहा है मेरा व्लॉग। चलो तेरा भाई जाएगा आराम से जाना। नहीं नहीं, यहीं तक जाना बस तेरे को। नहीं नहीं, अंदर तक जा, अंदर तक नहीं जाना। शेर लेके जा, अंदर तक नहीं जाना है। आदमी कितना दुखी है मुझसे, शेर लेके जा। नहीं, ये देख ऐश्वर्या और चक्कर पता है बहुत डेंस है। नहीं नहीं, बस यहीं तक जाना है, बस शेर और आगे जा। हाँ बस शेर लेके जा, वो देख ले। हमारे काजू ने भी टोक दिया। नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही बेटा, नहीं जा रही। नहीं चीता, ए चीता, इसको ले जा। नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही बेटा, नहीं जा रही, नहीं जा रही। मैंने रोक लिया, रोक लिया, रोक लिया। अगर कोई आएगा ना आवाज में आएगी इनकी। हाँ, सबसे पहले मैं थाने बैठूंगा। यही आदमी लेकर आया था मुझे। पॉज कर दियो, पॉज कर दियो। काजू आगे में मत डर, आगे में। ये लड़की को तो फोटो से फुर्सत नहीं मिल रही। ये नहीं हो रहा कि मम्मा से बात कर ले। फोटो फोटो फोटो। मैं आपकी भी खींच देती हूँ। आजा, आज हमने होली बड़ी मस्त खेली है ना। हाँ। मजा आ गया होली में, बहुत अच्छा लगा सच में। यादगार होली है ये। हेलो निशानी, नहीं पहले हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सड़क को आएगा भी नहीं, तेरी आवाज से आ जाएगा, तेरी आवाज से जरूर आएगा। सही में तू बुला लेगा शेर को भाव भाग के, तू बुला लेगा। चलो दोस्तों, अब मैं रिजॉर्ट जाके फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। काजू ये देखो भाई, काजू कह रहा है आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नहीं क्या कह रही काजू, गाड़ी ना हमें दे दो। ए काजुआ, प्रोजेक्टर बोलती है काजू, इधर देखो गाड़ी दे दो। मैं तू तो क्या कह रही काजू, गाड़ी ना हमें दे दो। ए काजुआ, प्रोजेक्टर बोलती है काजू, इधर देखो गाड़ी दे दो। मैं तू तो देखिए, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ के टिपिकल हाउस जो होते हैं। वो देख पैरेंट्स, ओ कितने सारे पैरेंट्स हैं, दिख रहे हैं आपको, ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ के टिपिकल घर, छोटी छोटी गैया खाना खा रही हैं, जिम कॉर्बेट के अंदर है ये बने हुए। ये अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा ये बंद है, किसी की प्रॉपर्टी है, इसकी एंट्रेंस यहाँ से नहीं है, हम शायद गलत आ गए। तो कोशिश करती हूँ अगर आगे से आपको कोई रास्ता दिखता है तो अंदर ले जाके दिखाऊँ इनके घर। बहुत सुंदर मड हाउस बना रखे हैं इन लोगों ने। पैरेट्स तो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए एक आंटी आई है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा हम आपका घर दिखाते हैं, बहुत सुंदर लगा हमें बाहर से। तो हम टीवी पे दिखाते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपका वीडियो बना लूँ ताकि मैं आप दिखा सकूँ घर आपका। बहुत सुंदर लगा। ये देखिए आप देख ही सकते हैं। नमस्कार, होली मुबारक। वो थोड़ा सा ऐसे ही बस देखने आए थे, ऐसे देखने आए थे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ से सारा ना बंद करके रखा हुआ है, कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स आ जाते हैं, एलिफेंट भी आ जाता है, टाइगर की भी होती है। टाइगर का खतरा हुआ है, टाइगर आ जाता है रोज। अंदर से निकाले जाते गाय खाते को। अरे बाप रे बाप, देखा फ्रेंड्स बता रहे हैं कि अंदर तक आ जाता है टाइगर, घर के अंदर जाके और गाय वगैरह इन सबको लेके जाते हैं, तभी आप सारा ये कवर किया हुआ है सारा ना। जानवर के आहार से जरा कम आते हैं। ये एक्चुअली में पूरा क्या है ना, ये फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, तो इस वजह से थोड़ा डर रहता है। देखा फ्रेंड्स आपने, आपके लिए हमने दिखाया आपको कि अंदर भी लोग कैसे रह रहे हैं, इतने डर में इतने खतरे में भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। इनको इतना टेंशन रहता है कि टाइगर कभी भी आ जाता है, इनके जानवरों को भी ले जाता है, गाय, आप मैंने दिखाया कि तो छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं, तो इनको ये भी टेंशन लगी रहती है, अपना भी इनको जान का खतरा होता है, लेकिन फिर भी ये ऐसे माहौल में सरवाइव कर रहे हैं, यही बहुत हाँ, बड़ी बात है। शाम को अंदर से ले जाते हैं गाय को, इतने दिनों को ले गए यहाँ से, रात में आते हैं, रात में हाँ टाइगर आके ले जाते हैं गाय को। नहीं कोई टाइमिंग है उनकी या कभी भी आ जाता है? हाँ कभी, कोई टाइम नहीं है, हम तो सो जाते हैं, हम पता ही नहीं चलता, जब उसको भूख लगती है तभी आ जाता है। जानवर हुआ उधर गाँव में,
तो फिर मतलब अभी तक वैसे किसी आदमी वगैरह पे तो अटैक नहीं किया ना, एनिमल्स पे ही करते हैं अभी तक। ऐसे हां ऐसे नहीं, हां इंसानों पे भी चले जाता, भाग जाता। हां गाय को छोड़ के भी भाग जाता। और हाथी वगैरह जो आते हैं वो कुछ नुकसान करके जाते हैं। हां फिर गेहूं खा जाते हैं। ओहो गेहूं तो आते हैं शायद, क्या भगाते हैं एलिफेंट पिछले साल मारते यहाँ पर, और दिन मारते दिन में पत्ते। अरे बाप रे, घास को जाती सुबह, घास को जाती दिन में। अच्छा लेडी को मार दिया, खत्म कर दिया उन्हें वहीं पर मार दिया। गांव के किनारे यहाँ बहुत डेंजर चीज है। देखो फ्रेंड्स कितने खतरे में ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, इनकी हिम्मत है। वो यहाँ गया नहीं है, हाथी यहीं है अभी, वही गाँव के अगल बगल आता डेली आ रहा है गेहूं में। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे होटल है ना गांव में, ये फन रिसोर्ट यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, फन रिसोर्ट के सामने ऊपर को जाइए, हमारा डेली हाथी का असर नहीं है कि जिसे नहीं आ रहा हो। अच्छा कहाँ, छह साढ़े छह बजे पहुँच जा रहा हो बस। जैसे जानवर ऊपर गाय भैंस आते हैं वैसे वो भी आ जा रहा डेली शाम को। क्या कर सकते, फिर भी जीवन है, जीना है। आओ क्या करते, आधी उम्र काट दी हमने, आधी से भी जाति काट ली। सही बात है, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी, इतने टाइम से रह रहे हैं। हाँ, जंगल चले जाते हैं, लकड़ी ले आते हैं, घास ले आते हैं, जो कुछ देखा तो हल्ला गुल्ला करके भाग के घास छोड़ के आ जाते हैं। आ जाते हैं, सही बात है। क्या और करें? क्या जान पहले है, हाँ, तो आता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमें आने दिया ताकि हमारे व्यूवर्स जो यहाँ घूमने आते हैं वो भी, उनको भी पता चले कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो कितने खतरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, तो वो जानना बहुत जरूरी है। हाँ। लोग आते हैं अपने एंजॉय करके निकल जाते हैं, वो नहीं जानते कि यहाँ रहने वालों की लाइफ कितनी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। तो मेरा यही मकसद था कि मैं सबको बताऊं अपने चैनल के थ्रू कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, हम दिल्ली से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो जो डेली यहाँ रहते हैं, हम तो आते हैं दो दिन तीन दिन के लिए, आपने तो रहना ही है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या लाइट भी नहीं फेस करते हो? अच्छा लाइट भी नहीं है आपके पास, देखा फ्रेंड्स लाइट भी नहीं है इनके पास, कितनी टफ लाइफ है इनकी। बसान मतलब इनके जब सोलर वाला बसान तो ऐसे ही रहते हैं, अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है दिया जलाने के लिए, लाइट तेल के दिया जलाते हैं, कभी मोमबत्ती जलाते हैं, बताओ ऐसी परेशानी में रहते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड्स हमारा एक दोस्त भी आ गया यहाँ पे, दोस्त ओ दोस्त क्या चाहिए? ये दो मत मत मुझे। चलो अब हम चलते हैं। ले लिया उनका इंटर? हाँ जी ले लिया, बहुत टफ लाइफ जीते यार, इतने खतरे में डेली इनको कुछ ना कुछ। अच्छा फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये तो हमें दिखी नहीं थी, ये तो हमें दिखी नहीं थी, शिकार लगे शिकार, छोटी सी कैट हुए शायद आपको दिख रही हो, शिकार लेके आई चूहा, चूहा चूहा खा रही है वो, चूहा ला गया ओल, उसने अपना भोजन ढूंढ लिया। किट्टू माओ, किट्टू माओ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, दोस्तों देखा किट्टू माओ, क्या हाल है तुम्हारा किट्टू माओ? लंच करा डिनर फिट कर लिया उसने। चलो अच्छा गुड निशानी गुड, क्या पाप, बिस्किट खिलाओ सबको, मम्मी की वीडियो एडिट कर, सबको खिलाओ बिस्किट, भूखू भूखू है सारे। गुड गर्ल निशानी, देखो तुम ही कर ले थोड़ा सा पुण्य कमा ले, देख मेरी बेटी कैसे, कैसे बहुत बड़ा काम किया है मैंने, बुलाया है, देखो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो अब हम रुके यहाँ पे मैगी पॉइंट पे, बच्चों को मैगी खानी थी, हमें चाय पीनी थी, थक गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रुक गए। और आप इसने बहुत बड़ा काम किया आज, कुत्ते को वेव करा है, कुत्ते को बुलाया है, मेरी बच्ची बड़ा काम नहीं कर रही, वो खाना खिला रही डॉगीज को, वो बड़ा काम नहीं है, ये बड़ा काम है अनन्या के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, भाई चाय आ गई है और हम चाय पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं।